दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे गोजा लट के बारे में और साथ ही जानेंगे कि इसकी कौन सी अवस्था सबसे खतरनाक होती है और गोजा लट के नियंत्रण का सबसे सरल उपाय क्या है। और हाँ, वीडियो के अंत में आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गोजा लट और दीमक की वजह से फसलों का उत्पादन लगभग 35 से 70% कम हो जाता है और किसानों के बीच चिंता का सबसे बड़ा विषय है गोजा लट। गोजा लट का शरीर मोटा, रंग मटमैला सफेद और आकार अंग्रेजी के सी अक्षर जैसा होता है। इसका सर हल्के भूरे रंग का होता है। गोजा लट की इल्ली और वयस्क दोनों ही अवस्थाएं नुकसान पहुंचाती है और इल्ली सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये इल्लियां जमीन के अंदर पौधे की छोटी छोटी जड़ों को खाती हैं और बड़ी होने पर मुख्य जड़ों को भी काटती हैं। नतीजा, पौधे जमीन से पानी और अन्य पोषक तत्व कम ले पाते हैं, जिसकी वजह से पौधे कमजोर हो जाते हैं। कई पौधे सूख जाते हैं या फिर उनके फुटाव में कमी आ जाती है। समस्या गंभीर है, इसलिए उसका उपाय भरोसेमंद होना चाहिए। चलिए एक निष्पक्ष राय लेने के लिए गूगल में चेक करते हैं कि क्या है गोजा लट का भरोसेमंद इलाज। दोस्तों, इलाज है सुमिटोमो केमिकल का डेंटाटसू। डेंटाटसू बीज की अंकुरण क्षमता को बढ़ाता है और गोजा लट और दीमक दोनों पर जबरदस्त कंट्रोल देता है और बुवाई से लेकर कटाई तक किसानों को मिलती है संपूर्ण सुरक्षा, मतलब बार बार दवाई इस्तेमाल करने का खर्चा बचा। डेंटाटसू हरे निशान वाली दवाई है, मतलब आप सुरक्षित, खेत सुरक्षित और पर्यावरण भी सुरक्षित। यही नहीं, डेंटाटसू का इस्तेमाल किया तो फसल कटाई तक हरी भरी रहती है, मतलब तुड़ाई के बाद आप फसल को चारे की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि डेंटाटसू गोजा लट पर कंट्रोल कैसे करता है। जब आप डेंटाटसू से उपचारित बीजों को अपने खेत में लगाएंगे तो पौधों में इतनी ताकत आ जाएगी कि जैसे ही गोजा लट पौधों की जड़ों को खाने की कोशिश करेगी, उसे करंट का एक झटका सा लगेगा और वो पौधों से दूर भाग जाएगी। कुछ एक बार आपको खेतों में गोजा लट दिखाई देगी, लेकिन आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं कर पाएगी। डेंटाटसू है राजस्थान कृषि अनुसंधान द्वारा प्रमाणित, मतलब किसानों की फसलों की सुरक्षा की पूरी गारंटी। और अब जानते हैं कि डेंटाटसू की पहचान क्या है। ये है डेंटाटसू का डिब्बा। डिब्बे के ऊपर ये लाल फूल का निशान है। डिब्बे के ढक्कन के ऊपर भी आपको ऐसा ही एक फूल दिखाई देगा। डिब्बे को खोलने पर ऐसी एक सील दिखाई देगी जो ऊपर से खुलती है। इस सील को अपने अंगूठे से दबाइए और तोड़ दीजिए। ध्यान रहे, ये सील आपके अंगूठे से टूट जानी चाहिए। अगर सील नहीं है या फिर टूट नहीं रही, तो फिर ऐसा डिब्बा बिल्कुल ना खरीदें। याद रखें, डेंटाटसू के 3 निशान, डिब्बे के आगे ये लाल फूल का निशान, डिब्बे के ढक्कन के ऊपर भी फूल का निशान और ढक्कन खोलने के बाद एक सील दिखाई देगी जो अंगूठे से टूट जानी चाहिए। डेंटाटसू द्वारा बीज उपचार का तरीका बहुत ही सरल है। 2.5 ग्राम डेंटाटसू से 1 किलो बीज का उपचार करें, यानी 100 ग्राम डेंटाटसू का इस्तेमाल आप 40 किलो बीज में कर सकते हैं। ज्यादा असर के लिए डेंटाटसू द्वारा उपचारित बीज को कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए अपने घर में किसी छाया वाली जगह में अवश्य सुखाएं। डेंटाटसू खरीदने के लिए अपने नजदीकी रिटेलर के पास आज ही जाएं। और यदि डेंटाटसू से संबंधित आपके कोई सवाल है तो हमसे संपर्क करें। कोरोना वायरस संक्रमण की इस कठिन परिस्थिति में भी किसानों को दवाइयां उपलब्ध रहे, इसके लिए सुमिटोमो केमिकल प्रतिबद्ध है।
दोस्तों, कभी कभी कुछ किसान धोखे में आकर अन्य तरल या भुजिया वाली दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बीज का अंकुरण 20-30% कम हो जाता है और किसानों का खर्चा बढ़ता है, जैसा कि इन किसान दोस्त के साथ हुआ। मेरा नाम मेघराम मेघवाल है, गाँव मोहम्मदसर है, तहसील सिरडगोरेड है, जिला बीकानेर है। मैं हर साल खेत में मूंगफली में डेंडोस्ट लगा के बुआई करता हूँ, मगर इस साल पिछले साल मैंने नहीं लगाया था किसी किसान भाई के कहने पे, तो मेरी फसल पूरी की पूरी बर्बाद हो गई थी। और मेरा कहने का मतलब यह है कि हर किसान भाई डेंटोस का प्रयोग करे, आपके फसल बढ़िया रहेगी। साथ ही ये अन्य तरल या भुजिया वाली दवाइयाँ असुरक्षित हैं, इसलिए मिट्टी और पर्यावरण भी सुरक्षित नहीं रहते। याद रहे, डेंडाटसु है गोजालट और दीमक का भरोसेमंद इलाज। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.dendatsu.in।